गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर टू का पार्ट नंबर वन पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास फिफ्थ का पार्ट नंबर टू यानी सबक नंबर दो का पार्ट नंबर वन पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट नंबर वन में हम रीडिंग कराएंगे और आप लोग भी मेरे साथ रीड करेंगे। तो चलिए सबक नंबर दो को निकालते हैं। सबक नंबर दो और सबक का नाम है अकलमंद किसान, वाइस फार्मर। सबक का नाम है अकलमंद किसान। तो बच्चों, सबक पढ़ने से पहले यानी शुरू करने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी बोलेंगे, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में एक राजा राज करता था। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में एक राजा राज करता था। यह राजा बहुत रहम दिल था। यह राजा बहुत रहम दिल था। उसके राज में सब खुश थे। उसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी रियाया की, रियाया यानी अपने प्रजा की, रियाया मीन्स होता है प्रजा यानी जनता। राजा अपनी रियाया की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता। राजा अपनी रियाया की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता। सब लोग राजा की इज्जत करते थे यानी कि राजा को मान सम्मान देते थे। इज्जत मीन्स मान सम्मान देना। सब लोग राजा की इज्जत करते थे। एक दिन राजा घूमने गया। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। बच्चों, ये हुआ आपका एक पैराग्राफ की रीडिंग कराई। आइए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग कराते हैं। राजा उसके खेत पर गया। उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। उस खेत में किसान ने
गेहूं बो रखे थे, खेत बहुत हरा भरा, खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ। आइए आगे तीसरे पैराग्राफ की रीडिंग कराते हैं, और बच्चों आप लोग भी जो है साथ साथ पढ़ते जाएंगे, पढ़ेंगे तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा और स्टोरी समझ में आएगी और अल्फाज भी पहचानने में आएंगे। तो चलिए तीसरे पैराग्राफ की रीडिंग कराते हैं। किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए, एक रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। अच्छा एक रुपया रोज, ये किसने कहा? राजा ने कहा। अच्छा एक रुपया रोज, तो फिर तुम उस एक रुपये का क्या करते हो? ये किस कौन पूछ रहा है? पहले किसने जवाब दिया? किसान ने। पहले राजा ने किसान से पूछा कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो, फिर किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए कि एक रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। ये किसने जवाब दिया? किसान ने। अच्छा एक रुपया रोज, ये किसने पूछा? राजा ने। तो फिर तुम इस एक रुपये का क्या करते हो? कौन पूछ रहा है? ये राजा। राजा ने पूछा, तो फिर तुम इस एक रुपये का क्या करते हो? राजा ने पूछा, जी इस एक रुपया, अब ये कौन कह रहा है? किसान कह रहा है, जी इस एक रुपया में चार आने तो रोज खा लेता हूं। ये कौन कह रहा है? किसान कह रहा है कि जी इस एक रुपया में चार आने तो रोज खा लेता हूं, यानी कि एक रुपया में चार चवन्नियों से मिलकर के एक रुपया बनता है। तो किसान ने क्या कहा? इस एक रुपया में तो मैं रोज चार आने खा लेता हूं। चार आने कर्ज उतारता हूं और चार आने कर्ज उतारता हूं और चार आने कर्ज देता हूं और चार आने कर्ज देता हूं अब बाकी बचे चार आने, यानी के चार आने करके तीन बार किसान ने बता दिया कि चार आने खा लेता हूँ, चार आने कर्ज उतारता हूँ और चार आने कर्ज देता हूँ। बाकी बचे चार आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ।
बाकी बचे चार आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। ये किसने कहा? किसान ने राजा से कहा। अब राजा, देखिए राजा क्या कहते हैं। ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ यहाँ तक। अब चौथे पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ, उससे पूछा। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ और हैरान होकर उसने आखिरकार पूछा कि ये क्या बात हुई, कि किस तरह का जवाब दे रहा है। उससे पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। राजा ने किसान से कहा कि मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब ये है, हुजूर इसका मतलब ये है कि चार आने जो खाता हूँ, चार आने जो खाता हूँ वो तो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। किसान ने कहा, हुजूर इसका मतलब ये है कि चार आने जो खाता हूँ वो तो मेरे और मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। चार आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है कि चार आने में अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। चार आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है कि चार आने में अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। चार आने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ। चार आने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, ताकि जब बूढ़ा हो जाऊं, ताकि जब बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी खिदमत कर सकें, वो मेरी खिदमत कर सकें। चार आने जो कुएं में फेंकता हूं तो उसका मतलब है कि मैं इतना खैरात कर देता हूं। चार आने जो कुएं में फेंकता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं इतना खैरात कर देता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया, उसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इस बात को
किसी को ना बताना। देखो जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इस बात को किसी को ना बताना। किसान ने वादा कर लिया, किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला आया, राजा अपने महल वापस चला आया। तो बच्चों ये आपका सबक नंबर 2 का चैप्टर, सबक नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 की आधी रीडिंग कराई है हमने, क्योंकि सबक बहुत बड़ा है इसलिए एक दिन में पूरी रीडिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम आधी रीडिंग करा रहे हैं। आधी रीडिंग अगली वीडियो में कराएंगे और इसका मतलब भी बता रहे हैं, तो आप लोग इसका मतलब सुन लीजिए। सबक का नाम था अकलमंद किसान और सबक नंबर 2 था। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में एक राजा राज करता था, यानी किसी जमाने में बहुत बहुत पहले, यानी बहुत पुराने टाइम में हिंदुस्तान यानी अपने भारत में एक राजा राज करता था। एक राजा था, ये राजा बहुत रहम दिल था। रहम दिल यानी बड़े नरम दिल का था राजा, बहुत नरम दिल था यानी कि सबको, सबकी परेशानी और मुसीबतों का ख्याल रखता था। उसके राज में सब खुश थे और जो राजा की रियाया थी, प्रजा थी, वो सब राजा से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि राजा अपने रियाया का बहुत ख्याल रखते थे, अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए प्रजा जो थी वो अपने राजा से बहुत खुश रहती थी। राजा अपनी रियाया की हालत देखने के लिए, यानी कि राजा कभी कभी क्या करते थे, अपनी रियाया यानी अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से चुपके से रात में बाहर भेष बदलकर निकल जाते थे और वो सबकी हालत को देख के समझते थे कि कौन किस हालत में रह रहा है। और जो जिस हालत में होता था, यानी कि जैसे कुछ लोग बहुत गरीब होते थे, तो उनकी जो है वो समझ लेते थे कि ये एक बहुत गरीब है और उनकी मदद करने के लिए अपने दरबारियों को भेज देते थे। तो अपने और कहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे, कहीं कुछ दंगे फसाद तो नहीं हो रहे, कोई किसी तरह का कोई मंसूबा तो नहीं बना रहा है, मतलब राजा अपनी रियाया यानी प्रजा की हालत को देखने के लिए चुपके से रात में निकल जाया करते थे और बस्ती बस्ती घूम करके अपनी प्रजा का हाल जाना करते थे। सब लोग राजा की इज्जत करते थे, यानी कि सारी प्रजा जो थी राजा से अपने बहुत खुश रहती थी और वो उनका जो है बहुत मान सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, यानी राजा को बहुत मानते थे, बहुत उनकी इज्जत करते थे, मान सम्मान देते थे। एक दिन राजा घूमने गया, यूं ही एक दिन राजा जो है घूमने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। राजा अपने घोड़े में सवार टहलते टहलते चले जा रहे थे, क्या देखते हैं कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है। उसे एक किसान खेत में दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था, और किसान क्या कर रहा था, अपने खेत पर काम कर रहा था। तो राजा ने उस किसान को काम करते हुए देखा, तो राजा जो है किसान के पास अपना घोड़ा लेकर चले गए। राजा उस खेत पर गया, राजा यानी उस खेत पर जहां पर किसान काम कर रहा था, राजा उसके पास चला गया। उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। उस खेत में किसान ने क्या बोए थे, गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था, यानी कि जब खेत में गेहूं बोया हुआ था तो खेत हरा भरा तो हो गई, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने उस खेत को देखा तो राजा
बहुत खुशबुओं से लहलाती हुई फसल को, हरी भरी फसल को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा और उसने किसान से पूछा कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। राजा ने किसान से पूछा कि ये बताओ, आप इस खेती बाड़ी का काम करते हो, खेती किसानी का काम करते हो, तो बताओ कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो, यानी कितना कितनी आमदनी पैदा करते हो। किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए, 1 रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। यानी कि किसान ने राजा से कहा कि जनाब बस इतना समझ लीजिए कि इतना कमा लेता हूँ कि 1 रुपया रोज के हिसाब से पड़ जाता है। यानी कि अगर 1 रुपया रोज का तो 30 दिन में आपके 30 रुपए, और इसी तरीके से हर महीने का 30 रुपया 30 रुपया, यानी 12 महीने में जो है उसने जोड़ करके बताया कि 12 महीने में यानी 1 साल में इतना मुझे पड़ जाता है। 1 रुपया के रोज के हिसाब से 30 रुपया महीने का हुआ, और साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 30 को हम डिवाइड करेंगे तो जो किसान ने बताया कि मुझे 1 रुपया रोज का पड़ जाता है, तो 30 रुपया रोज महीने का पड़ा, इसी हिसाब से 12 महीने में जितना भी उसका होता था उसने बताया कि मुझे इतना पड़ जाता है। अच्छा 1 रुपया रोज, राजा ने कहा, अच्छा 1 रुपया रोज, तो फिर तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो। राजा ने पूछा, अगर तुमको डेली का 1 रुपया पड़ता है तो मुझे बताओ कि तुम डेली के इस 1 रुपये को कैसे खर्च करते हो, क्या करते हो। राजा ने पूछा, जी इस 1 रुपया, अब किसान जवाब दे रहा है राजा को कि जी इस 1 रुपया में, 1 रुपया में 4 आने तो रोज खा लेता हूँ। यानी कि 1 रुपये में 4 चवन्नियां होती हैं। चवन्नी किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? चवन्नी कहते हैं 25 पैसे को, 4 बार 25 25 पैसे, 1 रुपये में 4 बार, यानी कि 4 चवन्नियां हो गई। 4 चवन्नियों का मिलकर 1 रुपया बनता है, यानी 25 25 50 और 25 25 50, यानी मिलकर के बन गया आपका 100, और 100 पैसे का 1 रुपया होता है, 100 पैसे का 1 रुपया बना। तो किसान ने जवाब दिया, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ, अब बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। यानी कि किसान ने कहा कि 4 आने मैं खर्च कर लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतार देता हूँ और 4 आने कर्ज दे देता हूँ, और बाकी बचे 4 आने तो उन्हें मैं कुएं में फेंक देता हूँ। ये बात राजा को समझ में नहीं आई। राजा ये बात सुनकर हैरान हुआ, राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ, उससे पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। राजा को ये बात समझ में नहीं आई तो उसने दोबारा किसान से पूछा कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, जरा मुझे इसका मतलब फिर से बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब ये है कि 4 आने जो मैं खा लेता हूँ वो तो मैं और मेरी बीवी पर खर्च हो जाते हैं, 4 आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब ये है कि मैं वो 4 आने अपने माँ बाप पर खर्च कर देता हूँ, जो उन्होंने मुझे बचपन से मतलब पैदा किया, बचपन से लेकर के पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने मेरे ऊपर खर्च किया, तो अब मैं उनके ऊपर जो खर्च कर रहा हूँ ये मैं कर्ज उतार देता हूँ, और 4 आने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, और जो 4 आने मैं कर्ज देता हूँ वो यानी कि मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो ये मेरी खिदमत कर सकें। ये कर्ज यानी कि बच्चों के ऊपर कर्ज है, माँ बाप का बच्चों के ऊपर कर्ज है ये, जब हम बूढ़े हो जाएं, माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो बच्चे उनका कर्ज उतारें, तो ये चवन्नी जो अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता था ये कर्ज देता था।
चार आने जो कुएं में फेंकता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं इतना खैरात कर देता हूँ, यानी कि बाकी बचे जो चार आने तो मैं उसको खैरात कर देता हूँ, यानी कि कुएं में फेंक देता हूँ। खैरात करना यानी मैं गरीबों मोहताजों की मदद कर देता हूँ, गरीबों मोहताजों को दे देता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, उसने किसान को इनाम दिया। राजा किसान की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उसको इनाम भी दिया। और राजा ने कहा, देखो जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लेना, इस बात को किसी को मत बताना। राजा ने किसान से क्या कहा कि जब तक तुम मेरा 100 बार मुंह ना देख लेना, इस बात को दोबारा किसी को बताना नहीं। किसान ने वादा कर लिया, किसान ने राजा से वादा कर लिया कि ठीक है राजा साहब, मैं नहीं बताऊंगा, जब तक मैं आपका 100 बार मुंह ना देख लूंगा मैं किसी को ये बात दोबारा नहीं बताऊंगा। और राजा अपने महल वापस चला आया, और राजा अपने महल वापस चले गए। तो बच्चों ये था आपका सबक नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 की आधी रीडिंग। अभी हमने आधी रीडिंग कराई है और उसका एक्सप्लेनेशन बताया है। अब आधी रीडिंग और उसका एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में हम बताएंगे और रीडिंग कराएंगे। ओके बच्चों, तो समझ में आया कुछ इस कर्ज का मतलब, इस चार चवन्नियों का मतलब, यानी इस 1 रुपया का मतलब कुछ समझ में आया? अब हम इसके आगे की कहानी अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।